रमेश मोटन चीफ पैटर्न ऑल इंडिया पटवार वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर श्री ओम प्रकाश कैर जी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश कैर जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा ओम प्रकाश कैर जी हमारा नाम रहेगा। पहले नंबर ये साढ़े एजेंडा नंबर दो सी साढ़े उठ के असी तीसरे नंबर उत्ते साड़ी गल है प्रधान साहब साढ़े एक साल वास्ते सरदार साहब सरदार प्रेम सिंह जी हुशियारपुर तो जिहड़े सीनियर डिप्टी मेयर साहब भी ने उन्होंने एक साल वास्ते प्रेजीडेंट की नियुक्ति की है। वो क्यों की है? क्योंकि असी कोविड 19 के चलते यह महामारी कोरोना वायरस के चलते ऑल इंडिया पटवार बरादरी का चुनाव जोड़ा वो नहीं कर सकते, तो इस कारण एक साल तो बाद असी एक बड़ा सम्मेलन करांगे, फिर सारे भावों की राय लावांगे और प्रेजिडेंट का अहुदा जोड़ा है उसनों अगा बधावे या कोई बदली करने की जरूरत होगी तो फिर उस दे विच एक साल तो बाद उस बदली करांगे। असी ओम प्रकाश कैद साहब की प्रेजिडेंट के वास्ते पंजाब गौरमेंट के को मुख्यमंत्री अगे तीसरा पॉइंट है साडा कि एक पुरजोर मंग कर रहे हैं, लैटर लिख रहे हैं, लैटर साइन हो चुकी है, रेजुलेशन पा रहे हैं थोड़े साइन पाने के श्री ओम प्रकाश नूं घट्टो घट्ट जिहड़ा पंजाब गौरमेंट की रूलिंग है उस दे मुताबक जिस तरह कोरोना वायरस नूं वायरस नूं पैसा कंपनसेट किया जाता है, असी मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगे रिक्वेस्ट करते हाँ कि साढ़े ओम प्रकाश कैद जी ने एक योधे की तरह इस कोरोना वायरस के काम किया, उसने अपनी बरादरी के अलावा समुच कौम के उन्होंने गरीब लोगों की मदद की है जो उसके हकदार से। पर्टिकुलर लुधियाने के उन्होंने जान तोड़ के काम किया है, रेलवे स्टेशन पर लंगर लगाया, बस स्टैंड पर लंगर लगाया और लुधियाना जवाहर नगर कैंप के भी लंगर लगाया और घर घर भी जी रात समग्री वंडी है और वह वंडदिया ही उन्होंने सूरवीर वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। 10 दिन पटियाला हॉस्पिटल के रह के वो योद्धा शहीद हो गया। असी पंजाब के मुख्यमंत्री ऑनरेबल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के अगे मांग करते हाँ कि श्री प्रकाश जी को देवदिन फैमिली को घट्टो घट 10 लाख रुपया कंपनसेट दिता जाए। नंबर दो, उन्हां दा बेटा जिहड़ा वड्डा है सुनील कुमार जी उन्हां नूं गौरमेंट जॉब दिता जाए ताकि साडे प्रधान दी फैमिली पिछू रोड दे उत्ते दर दर ना आए। तीसरी गल मैं कहना चाहांगा इत्थे कि सानू बहुत दुख है, मेरे अपने हत्थां दा लग्या बूटा सी, मैं उसनू 18 मार्च 2018 नूं उसनू लुधियाना सर्किट हाउस के मैं उसनू प्रेजिडेंट बनाया सी और उसने जी जान तोड़ के 13 स्टेट के काम किया और खास करके पंजाब के बहुत ज़्यादा काम किया। पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के जमें उसने जान तोड़ के काम किया और उन्हें बाद दी स्टेटा च भी काम किया। मैं उम्मीद करता हाँ अपने नए प्रधान के कोलों, प्रधान साहब असी प्रोग्राम लिखांगे और असी पूरियां 13 स्टेटा दे विच एक कोरोना वायरस खत्म होने तो बाद पूरे टूर करांगे और मिनीमम हर 3 महीने साड़ी ऑल इंडिया पटवार वेलफेयर एसोसिएशन की एक मीटिंग होएगी, चाहे कोरोना वायरस भी क्यों ना हो लेकिन ऑफिस लीडर की मीटिंग 3-3 महीने जारी रहेगी। ऑफ ईयरली मीटिंग अगर इस बार स्टेट
जिस तरह एन आखिर सम्मेलन के तौर उत्ते किया जाएगा और एनुअल सम्मेलन भी किया जाएगा जिद फिर सारिया कट्ठे होकर असी थोड़े राय लैंगे प्राणा की भावों की पैंचा की सरपंचा की नंबरदारा की आफिस विरण की और नौजवान तबके इस अलावा साढ़े सारी कुछ त्रुटियां रही जिस दिन प्रधान साहब की नियुक्ति हुई मृत्यु हुई मैं उस दिन एक व्हाट्सएप के विच एज चीफ पैटन आल इंडिया पटवार वेलफेयर एसोसिएशन एक मैसेज पाया कि मैं आर स्टेट प्रेजिडेंट रिक्वेस्ट करना कि श्री ओम प्रकाश कैद साहब के भोग तक जिन्हें थोड़े कार्यक्रम ने उन्होंने पोस्टपोन कर दौ स्थगित कर दौ लेकिन अनडिसिप्लिन क्रिएट होया साड़ी बरादरी के अंदर बड़े दुख नाल यह गल कहना पड़ी है कि चंद लोग इस बरादरी के दो जनरल सैकटरी एक जनरल सैकटरी ने बहुत बड़ा धोखा किया है कि उसने अपने आप को प्रोफेसर दसिया है जस उसकी असी वेरीफिकेशन की है तो वह एक पोस्टल का वार्डन है उसने अपनी मर्जी के नाम एक मैसेज पा दिता कि असी फलाने आदमी को आपशूटिंग प्रेजिडेंट बना दिता ये आज जड़ी मीटिंग हुई है ये उसके मुतलक है उन्हें जिसन प्रेजिडेंट बनाया है और जिसन जिसने उसकी व्हाट्सएप के पाया है दोनों जनरल सैकटरी आल इंडिया पटवार बरादरी के अज तू नकाशित किया जाता बार किया जाता रेजिग्नेशन फाइल हूँ साढ़े नवे दो जनरल सैकटरी उन्होंने जगह के उत्ते असी साढ़े को एक ही जनरल सैकटरी साड़ी सभा के बचे है पंजाब स्टेट के है मास्टर रघवीर कैद जी जेडे थोड़े पिंड झीला मेड़ा थोड़े लागे है इतों इन्हों के बाद इतने जम्मू कश्मीर च पटवार वेलफेयर एसोसीएशन के स्टेट प्रेजिडेंट 9 साल रहे इन्हों उन्हों की कुर्बानी देख के इन्हों जनरल सैकटरी नियुक्त किया इन्होंने बहुत अच्छा काम किया प्रधान जी के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट मिल के असी दो साढ़े जनरल सैकटरी जोड़े अगे है एक जनरल सैकटरी पूरी आल इंडिया नहीं दे सकता 13 स्टेटा मैं जम्मू कश्मीर तो साढ़े स्टेट प्रेजिडेंट साहब ने मैं चाहना कि तरलोक मोर्टन जनरल सैकटरी की जगह के उत्ते जम्मू कश्मीर के सानू एक आदमी नामीनेट करो ताकि असी उन्होंने जनरल सैकटरी मुकर करिए और दूसरा मैं जनरल सैकटरी थोड़े को पूछ के बनाना ताकि एक बरादरी की परंपरा अज असी सारे एग्जीक्यूटिव मैंबर इकट्ठे हो रहे हैं सरपंच पंच और बरादरी के बड़े सुलझे अहदेदार इकट्ठे हो रहे हैं यह एक तरीकाकार है किसी को बनाना और किसी को हटाना ये साढ़े बाईलाज के लिखे है कि मिनीम 50% मजारिटी चाहिए है अज मैं देखा कि साढ़े को 80% मजारिटी साल इंडिया पटवार वेलफेयर एसोसीएशन की इतने बैठी है तो मैं प्रेम सिंह मुबारकबाद देना तो प्रीति सिंह रिक्वेस्ट करना कि वह अपना जम्मू तो जम्मू का जनरल सैकटरी जो हटाया वास्ते सानू एक जनरल सैकटरी दो नंबर दो श्री विक्की कुमार डोगरा पिछले 7-6 महीने तो उन्हों का रेजिग्नेशन साढ़े को पे है यूथ प्रेजिडेंट का तो तुसी एक सानू नवा यूथ प्रेजिडेंट भी दो स्टेट क्योंकि मैं पंजाब के आल इंडिया का प्रेजिडेंट बना रहा और यूथ का प्रेजिडेंट जम्मू कश्मीर को बना रहा इस करके बना रहे हैं कि ताकि सारिया स्टेटा जोड़ा कुछ हिस्सा मिले इस दे तो प्रीति सिंह जी अगर रिक्वेस्ट करना और चेयरमैन साहब उसनों
ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਾਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਇਆ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਾਮਲਾ ਜੀ ਮੋਟਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 34 ਸਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਰਾਦਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲਾਣਗੇ 101% ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੋਟ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਆ ਵੀ ਰਹਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬਾਲ ਮਾਰਾਂ ਅਤੇ 12 ਵਜੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਆਜਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ LIC ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਮੇਸ਼ ਮਾਂਡੀ ਪਿੰਡ ਝੁਆਲਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਪਟਵਾਲ ਦਾ ਝੁਆਲਾ ਆਰ ਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਮਾਂਡੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਬਾਰਡਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਬੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਚੌਧਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ XML ਸਤਪਾਲ ਲਖੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਜਲਸੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਲਖੋਤਰਾ ਜੀ XML ਸਤਪਾਲ ਲਖੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਰਾਦਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਪਾਲ ਲਖੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਆਰਟਵਾ ਬਰਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ
डॉक्टर वरिंदर मोगरा जी साढ़े जेडे रमेश मोहन जी ने जेडे साढ़े बराज जी ने बहुत बहुत रोहतरा साहब अगे बढ़ चल के ईमानदारी अपनी कौम की सेवा कर बहुत बहुत धन्यवाद। आर्मी वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि साढ़े MLA साहब लखोत्रा जी मेरा बड़ा प्यार से उन्होंने और जो भी कितने लुधियाने आना बगा ही यार DMC उदो भी एडमिट से मैं गया उन्होंने को बहुत ही वधिया आया भी उन्होंने बेटे ने भी सेवा लवाउण का मौका दिता तो सेवा करेगा मन तन। थैंक यू। जय भीम जय बटवाल। अज मेरी बटवाल बरादरी ने जिहड़ी मैनु सेवा का मौका दिता है मैं तन मन धन नाल जिन्ना मेरे को हो सकेगा जिन्ना मेरे को बनी सकेगा मैं करंग। मेरे फादर साहब ने 40 साल अपनी बरादरी की सेवा की दिन रात नहीं दिखा उन्हें जदों भी साड़ी बरादरी को कोई परेशानी आती ही वो अगे होंगे ने और मैं भी कोशिश करें उन्हें करके उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी बरादरी का नाम अगे वधाऊं और अपने समाज की अपने यूथ की मैं अपने जो सारे नौजवान अपने जो साथी इतने आए थे बजुर्ग साथी इतने आए थे मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहना कि अज के टाइम में नौजवान बड़े गलत रस्ते पर चला दे और उन्हें उनके घर के माता पिता के समझाई सकते हैं जि जिन्हें अस कुड़ियों पर पाबंदी लाने भी तुसे दिने बाहर नहीं जाना शामी नेरे वे बाहर नहीं जाना इं अपने बच्चे भी तुसे समझाना क्योंकि जेकर तुसे उन्हें समझागे तो रुकी सकते हैं अदरवाइज जो अज माहौल चला दा है बड़ा बहुत खराब जिसका वक्त चला करता है और जड़ी जड़ियाँ तुम देखा दे कि जो टाइम पहला होता नौकरियां बड़ी आसानी के मिली जाती अजकल वो बड़ा मुश्किल हो गया इसलिए अपने समाज में अपना जो अपने बच्चे की पढ़ाओ और अच्छे कंपीटिशन ताकि अगर आइए नौकरियां ले सकन अजकल नौकरियां थाली च नहीं पेदियां कि थोड़ी अगर कंपीटिशन बड़ा ज्यादा है तो कंपीटिशन में अगर आइए नौकरी लाओ अपने समाज का नाम रोशन करो। जय भीम जय भारत।